जब सरकार के अंदर संत का हिस्सा होगा तो अपने रिश्तेदारों ने भी खुश करेंगे, अपन जो बाहर से हमारी मदद में आ रहे हैं भाईचारे ने भी करेंगे, और पहले अपना घर तो भरेगी अपना भी भरेंगे। तो इसलिए सरकार में पड़ने के लिए इलेक्शन जीतना जरूरी। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। ये है हरियाणा कांग्रेस में विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार शमशेर सिंह गोगी, जो राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में ही डाका डाल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान का बार बार जिक्र करते हैं, लेकिन इसी मोहब्बत की दुकान में कितने लुटेरे बैठे हैं जो खुले मंच से जनता को लूटने की बातें करते हैं, वो आपको इस खबर को देखकर समझ में आ जाएगा। क्योंकि कांग्रेस के नेता सरेआम मंचों से लूटने और अपना घर भरने की बातें कर रहे हैं, तो चुनाव जीतने और कांग्रेस सरकार बनने के बाद ये क्या क्या करेंगे, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। ये कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, अभी जीते भी नहीं हैं, लेकिन इनकी भाषा और इनके बयान इस बात का साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि ये जनता को जोंक की तरह चूस लेंगे। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में बैठे लुटेरे, कांग्रेस प्रत्याशियों के बयानों से बढ़ी पार्टी की मुश्किलें। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच करनाल से कांग्रेस नेता शमशेर सिंह गोगी का एक वीडियो वायरल हुआ है। जिले के असंध से कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी ने एक बयान दिया जिस पर अब भाजपा ने सवाल उठाए हैं। फरीदाबाद NIT से कांग्रेस विधायक के वीडियो के बाद अब एक और नेता का बयान कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन रहा है, वो आगे आपको खबर में बताएंगे। लेकिन पहले गोगी साहब का बयान का कुछ हिस्सा आपने सुना है, वो पूरा आपको बताते हैं और कैसे बीजेपी ने जमकर बखिया उधेड़ी है वो भी जान लीजिए। दरअसल कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि हमारी सरकार आने पर सरकार में असद का हिस्सा होगा और हम अपने रिश्तेदारों को खुश करेंगे जो हमारी मदद में आ रहे हैं, जो भाईचारे में आ रहे हैं, हम पहले अपना घर तो भरेंगे ही। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद बीजेपी ने भी कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उधर शमशेर सिंह गोगी ने वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि मैं अपने बयान पर आज भी कायम हूँ, मेरा बयान सुनिए। मैंने कहा है कि असंध जब जिला बनेगा और सरकार हमारी होगी, ऐसे में असंध को इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे, जहाँ पर अपने दोस्तों यारों रिश्तेदारों का तो भला होगा ही, अपना भी परिवार का भला होगा। मेरा कहने का मकसद ये था, नायाब सिंह सैनी पहले अपना घर बचा ले फिर दूसरी बात करें। सावन के अंधे को समझाना गलत है, उसे भ्रष्ट और भ्रष्टाचार ही नजर आता है। वो भाजपा जैसे नहीं है, उन्हें अपना घर भरना होता है, पहले भी भरते, 47 साल हो गए राजनीति करते हुए। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद हरियाणा के सीएम नायाब सिंह ने भी पोस्ट करते हुए लिखा कि कांग्रेस मैनिफेस्टो का दूसरा वादा, पहले अपना घर भरो, बाद में कुछ बच जाए तो जनता के लिए करो। नायाब सैनी के अलावा बीजेपी के शमशेर सिंह गोगी के वीडियो को ट्वीट पर शेयर करते हुए लिखा गया कि सावधान सावधान। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद हरियाणा के सीएम नायाब सिंह ने भी पोस्ट करते हुए लिखा कि कांग्रेस मैनिफेस्टो का दूसरा वादा, पहले अपना घर भरो, बाद में कुछ बच जाए तो जनता के लिए करो। नायाब सिंह सैनी के अलावा बीजेपी ने शमशेर सिंह गोगी के वीडियो को ट्वीट कर शेयर करते हुए लिखा कि सावधान सावधान, कांग्रेस वाले जनता को लूटने की योजना बना रहे हैं, अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो ये अपना और अपने करीबियों का घर भरेंगे। वैसे ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस की फजीहत हो रही है, बेइज्जती हो रही है, और उनकी बेइज्जती करवाने वाले कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के खुद के अपने लोग ही हैं। खबर की शुरुआत ही एक और वायरल वीडियो का जिक्र करते हैं। दरअसल वो वीडियो है विधायक नीरज शर्मा का, पहले वीडियो सुनिए। अरे तुम्हारे मतलब की तो बात निकल गई, थम आयो लेट, अब असली सौदा तो नौकरी निको, और सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें नौकरी की। भैया भाई ने खुल्लो चैलेंज कर दियो, सबन की आज्ञा ले ली, हुड्डा साहब ने नौकरी देनी 2 लाख, यू मेरिट हमारे इलाके समझ आना रही, जिता के भेजो 2000 का कोटा मिलेगा, और मैं इनकी 50 वोट पे एक नौकरी की सिफारिश है, और जा काम से जितना ज्यादा डब्बो भरेगा वह काम की उतनी ज्यादा ही नौकरी लगेंगी। यू मेरा फैसलो ना, यू समन को फैसलो, कल को मेरे ऊपर थोप दो, चाहते भाई 10-20-50 वोट आवे। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान के जरिए जनता को खटाखट लूटने और उन्हें खरीदने का प्लान बनाने वाले नेता का नाम है नीरज शर्मा, जो फरीदाबाद NIT से विधायक है।
और ये वायरल वीडियो इन्हीं का है। दरअसल हरियाणा में कांग्रेस प्रत्याशी नीरज शर्मा के इसी वायरल वीडियो को लेकर सियासत गरमाई हुई है। नीरज शर्मा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो वोट के बदले नौकरी देने की बात कह रहे हैं। वीडियो में कांग्रेस उम्मीदवार नीरज शर्मा कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में 2,00,000 नौकरियां देंगे, इन नौकरियों में 2,000 का कोटा मेरा है, 50 वोट पर एक नौकरी दी जाएगी, जिस गांव से ज्यादा वोट मिलेंगे उसे ज्यादा नौकरी मिलेगी। नीरज शर्मा के इस वीडियो पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता इस वीडियो को शेयर कर कांग्रेस पर कई सारे सवाल उठा रहे हैं। सीएम सैनी ने शेयर किया नीरज शर्मा का वीडियो। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने नीरज शर्मा का ये वीडियो अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए सीएम सैनी ने लिखा कि हुड्डा की नियत और कांग्रेस के असली चाल चरित्र का प्रचार करते हुए कांग्रेस मैनिफेस्टो का पहला वादा नौकरी फिर पर्ची खर्चे पर बटेंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल ने भी इस वीडियो को शेयर किया है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि हरियाणा के युवाओं के लिए लागू करेंगे हुड्डा का सिस्टम, जानिए और पहचानिए। सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल होने लगा तो कांग्रेस प्रत्याशी नीरज शर्मा ने इस पर सफाई भी दी। फजीहत के बाद नीरज शर्मा की सफाई। वीडियो वायरल होने और बीजेपी के सवाल उठाने के बाद नीरज शर्मा ने एक और वीडियो जारी कर पूरे मामले पर सफाई दी है। नीरज शर्मा ने बीजेपी आईटी सेल पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके बयान को गलत पेश किया गया है। कांग्रेस समय में पूरे हरियाणा के युवाओं को नौकरी दी गई और आगे भी सरकार बनने पर दी जाएगी। ये है राहुल गांधी की पार्टी के नेता जो खुलेआम ऐसे घटिया बयान देते हैं, जिससे उनकी मंशा साफ तौर पर नजर आती है कि वो जनता को क्या समझाते हैं। वैसे सिर्फ दो नेताओं के बयानों का मामला नहीं है, कांग्रेस नेताओं के महिलाओं पर दिए गए बयानों की वजह से भी कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में नुकसान झेलना पड़ सकता है। दरअसल कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की महिला विरोधी बयानबाजी से कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कांग्रेस सांसद जयप्रकाश और एक और कार्यकर्ता ने महिला को लेकर अभद्र टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद पार्टी विपक्ष के निशाने पर आ गई थी, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस मामले पर सफाई देनी पड़ी। ऐसे में सवाल है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस तरह की बयानबाजी का पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है या नहीं। महिलाओं पर विवादित बयान। हरियाणा में इस बार कांग्रेस की सत्ता वापसी की राह थोड़ी आसान नजर आ रही है, लेकिन पार्टी के नेता इसको और ज्यादा कांटों भरा करते जा रहे हैं। पार्टी के नेताओं को लग रहा है कि जनता बीजेपी के 10 साल के शासन के खिलाफ कांग्रेस को एक बड़ा मैंडेट देगी और पार्टी 70 सीट तक भी पहुंच सकती है, लेकिन पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की महिला को लेकर बयानबाजी पार्टी को नुकसान पहुंचाती दिखाई दे रही है। हालांकि इसका क्या नुकसान होगा वो तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे, रिजल्ट बताएंगे, लेकिन विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा जरूर मिल गया है। कांग्रेस सांसद के बिगड़े बोल। कांग्रेस लोकसभा सांसद जयप्रकाश के बेटे को पार्टी ने कलायत सीट से उम्मीदवार बनाया है। जेपी दलाल महिलाओं को लेकर एक विवादित टिप्पणी कर चुके हैं, जिसके बाद उनका इस टिप्पणी पर विरोध भी हो रहा है। हालांकि पार्टी उनके इस बयान से किनारा कर चुकी है। हालांकि जयप्रकाश को उनके बयान की वजह से जहां खाप पंचायतों की नाराजगी का सामना करना पड़ा, वहीं विपक्ष भी कांग्रेस पर हमलावर है। कुमारी शैलजा पर अभद्र टिप्पणी। एक मामला कांग्रेस का संभला नहीं था कि पार्टी के एक और कार्यकर्ता ने हिसार जिले की नारनौद सीट के तहत पार्टी कांग्रेस की लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर दी, जिसको लेकर हिसार एसपी को तो शिकायत दी गई, वहीं नारनौद में इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हो गई। वहीं पलवल में कांग्रेस उम्मीदवार के नामांकन के दौरान लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों ने भी कांग्रेस के सामने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा पर विवादित बयान के बाद कांग्रेस बैकफुट पर है। पार्टी जानती है कि इस तरह के बयान उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसीलिए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुमारी शैलजा पर की गई टिप्पणी पर कहा कि कुमारी शैलजा हमारी सम्मानित नेता है, हमारी बहन है, उन्होंने उस बयान को मैनिपुलेट वीडियो बताया। साथ ही कहा कि बीजेपी का काम है धर्म के नाम पर बांटना, बीजेपी का काम है लोगों को जात पात के नाम पर बांटना, कांग्रेस का कोई साथी ये बात नहीं कर सकता। कांग्रेस का नारा है ना जात पे ना पात पे, मोहर लगेगी हाथ पे। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेताओं की कड़े शब्दों में निंदा की है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कांग्रेस नेताओं की तरफ से महिलाओं के प्रति ओछी मानसिकता दर्शाना निंदनीय है। चाहे एक कांग्रेस सांसद का लिपस्टिक पाउडर वाला बयान हो,
उचाना में कांग्रेस नेता बीरेंद्र सिंह की महिलाओं के गर्भधारण पर की गई टिप्पणी हो या फिर एक कांग्रेसी के सांसद कुमारी शैलजा पर दिया गया बयान हो, ये सब साफ दर्शाते हैं कि कांग्रेसी आधी आबादी को किस सोच के साथ देखते हैं। इन सभी कांग्रेसी नेताओं को अपने शर्मनाक बयान के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। इस मामले में राजनीतिक मामलों के जानकारों की माने तो इस तरह की बयान देने से नेताओं को बचना चाहिए, क्योंकि इस तरह के बयान का असर लोगों पर होता है। वहीं विपक्ष भी इस तरह के मुद्दों को भुनाने के लिए हमेशा तैयार रहता है, जैसे कि इस मामले में भी देखा जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस मामले के सामने आने के बाद शायद अब विपक्ष इसको चुनावी मुद्दा नहीं बना पाएगा। चुनावी माहौल जैसे जैसे आगे बढ़ जाएगा तो इस तरह के मुद्दे भी शायद पीछे छूट जाएंगे और जो जरूरी मुद्दे हैं वो आगे दिखाई देंगे। यानी कुल मिलाकर हरियाणा कांग्रेस के नेता अपनी ही पार्टी के लिए खाई खोदने का काम कर रहे हैं, जिसे पार्टी कैसे बाहर निकलेगी और क्या माफी मांगेगी ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।